नमस्कार दोस्तों, आज आप अपना टाइम में स्वागत है। यहाँ पर एक बहुत शानदार टूर्नामेंट हो रहा है जो कि सामने खड़े हुए हैं मोनू सोनी, पटेरा से अपना संबंध रखते हैं, कैप्टन वहाँ के, और यहाँ पर शैलेंद्र हैं और ये भैया से ताल्लुकात रखते हैं, कप्तान हैं दोनों। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मोनू जी, आज क्या ख्याल है आपका? फाइनल मुकाबला है, कैसा सफर तैयार किया और आज की क्या प्लानिंग है? हम लोग का सफर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी मेहनत की हम लोगों ने, और आज का ये संघर्षपूर्ण मुकाबला जो आज लोग खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से खेलेंगे और अच्छा प्रयास करके बेस्ट फ्रेंड को फाइनल उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे मोनू जी के लिए? मोनू जी, आज इनके सामने आपकी कैसी ताकपोशी रहेगी? क्या आप मैच जीत कर जाएंगे या इनके बल्लेबाजों का सामना कैसे करेंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों? देखो, ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, ठीक है। इसमें अगर जिसका बैट बॉल गया वो बाय बाय, और जिसका नहीं बोला वो बोल बाय। तो अगर यहाँ से भी हार भी मिलती है तो दोनों टीमें एक ही बराबर में जाएंगी, क्योंकि वो भी हरा के आए हैं तो फाइनल खेल रहे हैं। तो जी, बहुत शानदार कप्तान हाथ मिलाया, और इनका शैलेंद्र का कहना है कि आज हारेंगे नहीं, सीखेंगे जरूर। अगर हार भी जाते हैं तो सीख जरूर मिलेगी। तो अपने टाइम जोन पर हम आप सभी से विदा लेते हैं और चलते हैं मैच की ओर, कैसा हमारा आज का रुख होता है। तो दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर पटेला को और बाबर आ गया है
एक बार फिर करके और स्टेडियम में ये रोमांचकारी मैच होता हुआ देखते हैं सिंगल है डबल सिंगल भागेंगे तो और काफी दूर हंड्रेड रन सेंचुरी लग चुकी है ओवर चल रहा है दस ना सामने मक्खन और एक रन बॉन्डे को पकड़ा गया एक रन के साथ स्कोर मिलता हुआ 108 रन छोड़ बदल चुके थे
और इन बाउंस का सारा एम्पायर भोला राय द्वारा खेल दिया है। आसर फील्डर मौजूद है, मिस फील्डर खेल दिया है। उत्तर भी इंसान में अटल होंगे
एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 143 रन की आवश्यकता है यहाँ हमारे स्कोर बता रहे हैं। और फसल की तरह काफी हटते चट्टे और लंबे हटा के खिलाफ फाइनल मैच होगा। और हरे घर में 3-4 बॉल भी चाहिए कम से कम। और बाबा राजा चले मीडिया कीपर के पीछे खड़े क्रिकेट प्रेमी बैठे हुए हैं और सलमान जिन्होंने और बैठ गए देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हमारे गेंद लगा रही है खतरा हो सकता है और साइड कैच पकड़ लिया तो छोड़ दिया चले अभिषेक और बाबा राजा बैट्समैन और खेल रहा है बाबा राजा ने सुंदर फील्डिंग है 44 रन और मनीष काम करके बॉल चाहती बॉल मगर सब गली के फैन मानना चाहती थी और बखूबी मारा मगर और एक छक्का मारने की कोशिश मगर नाकामी और सीधी गेंद और लड़की के सीधा मारने की कोशिश मकान और फिर से गेंद जाती हुई आराम से निकलने में बल्ले घूमते हुए सार की तरफ वाह क्या बात है छोटी बॉस और अच्छे समय पर और ये भरत मनीष के दीवार है ललचा होकर मानने की कोरे एम्पायर भी क्योंकि एक दफा हम लोग को लगा था भैया टीम से मैच है एक्चुअली अच्छा मैच हुआ क्योंकि जहां तक आए हैं तो ऐसे नहीं कि वो कमजोर टीम होगी मगर थोड़ी जो स्कोर हम लोग का 180 बना बहुत ही अच्छा स्कोर बना जो हम लोग सोचे थे मन में वही स्कोर बना मगर 180 डिफेंस के लिए वो जब भैया टीम आई तो थोड़ी जल्दबाजी कर दी उन्होंने हर बॉल को बाहर कोशिश करने की कोशिश की इसी खामियाजे में इस मैच का नतीजा कुछ अलग हुआ। थैंक यू सो मच जेपे मोनू कप्तान फ्रॉम पटेल टीम। अब आज का मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ खेला तो हम लोगों ने अच्छा था पहले क्योंकि जब हम खेल रहे थे तो तब तक यहां तक आए थे लेकिन आज हमारा मैच पटेरा से था ठीक है अच्छी कोशिश करने की गुंजाइश थी हमारे मैच लेकिन फिर हमारी थोड़ी सी बॉलिंग बाजी नाकामयाब रही उसका मतलब क्षेत्ररक्षण उतना अच्छा नहीं कर पाई हमारी टीम। अगर क्षेत्ररक्षण सही होता तो आज ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था वो नहीं होता। हाँ उसके बाद में शायद मैंने सोचा मैं भी जाऊँ बल्लेबाजी करने के लिए तो शायद मैं चला गया बलवंत के साथ तो अतुल परिहार एक बॉलर थे तो इसी की वजह से गया था कि अतुल परिहार को छोड़ के बाकी सबको टारगेट कर लूंगा लेकिन न मालूम क्यों अतुल परिहार ने एक चतुराई मेरी गेंद कर दी और मैंने बैट चला दिया और आउट होकर वापस पवेलियन आ गया। तो जब मैंने 5 रन बनाए तो मेरे पीछे जो जा रहे थे उन्होंने देखा कि भाई कप्तान ने जब 5 रन बनाए तो मुझे क्या करना है 2.5 रन चाहिए मुझे तो बनाने। तो मोनू अनुराग प्रशांत छोटू सब लोग यहाँ पर है धन्यवाद बहन भाई आज के मैच में
जो जनता जनार्दन पधारी है उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी टीम के कप्तान मोनू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया वो बहुत सही साबित हुआ और 16 ओवर में निर्धारित हम लोगों ने 180 रन बनाए और 181 रनों का टारगेट दिया जिसमें विपक्षी टीम जल्दबाजी के चक्कर में 49 रनों पर बैल हो गई और अतः हम 130 रनों से मैच जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद।